Assalamualaikum, तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के उर्दू के कहकशां की किताब से चैप्टर नंबर 33, जिसका नाम है आवारा। और ये जो चैप्टर है ये एक नज़्म है, यानी कि कविता है। और इस नज़्म में जो भी बातें बताई गई है ना, उसके हिसाब से इस चैप्टर का जो नाम दिया गया है वो वाकई में 100% परफेक्टली मैच कर जा रहा है। वाकई में नाम दिया गया है आवारा, मतलब अगर आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें जो भी बातें बताई गई हैं लेखक खुद के बारे में, इस चैप्टर के जो राइटर हैं मिजाज लखनवी, वो अपने बारे में ही बता रहे हैं कि वो सड़कों पर आवारा और नकारा फिर रहे हैं, उनके साथ क्या क्या हो रहा है, ये सारा चीज़ जो है ना इस नज़्म में बताए हैं। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या, मतलब इस नज़्म का क्या नाम रख दिया गया है, आवारा, जो कि 100% परफेक्टली मैच कर जा रहा है। ठीक है, नाम ही होना चाहिए आवारा। तो ये तो बात ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस चैप्टर में मिजाज लखनवी अपने बारे में क्या क्या बताए हैं, वो क्या क्या महसूस कर पा रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, ये सारा चीज़ जो है ना इस नज़्म में बताई गई है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, इस चैप्टर के जो लेखक है, राइटर, जिसको उर्दू में क्या कहा जाता है, मुसन्निफ़, तो मिजाज लखनवी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मुसन्निफ़ है। इनके बारे में हर एक चीज़ जान लेंगे, क्योंकि मिजाज लखनवी यानी कि राइटर से ये तो पक्का है कि पूछेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता ही पूछता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग मिजाज लखनवी के बारे में समझ लेते हैं, ये इनके बारे में जान लेंगे ना, समझ लेंगे हर एक डिटेल्स, फिर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये मतलब ये अपने ही बारे में, मिजाज लखनवी अपने ही बारे में इस नज़्म में बताए हैं, तो इस नज़्म को समझने में आप लोगों को आसानी होगी, इस चैप्टर को समझने में बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प होगा। ठीक, तो सबसे पहले मिजाज लखनवी के बारे में समझिए, ये क्यों मतलब आवारा सड़कों पर फिर रहे थे, ये सारा चीज़ आप लोगों को इनके बारे में जानेंगे ना तो ये सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ढेर सारी इनके साथ घटना हुई थी, चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, मिजाज लखनवी का पूरा नाम जो है इसरारुल हक मिजाज था, याद रखिएगा। मिजाज लखनवी के नाम से भले ही मशहूर हुए लेकिन इनका पूरा नाम क्या था, इसरारुल हक मिजाज। ठीक, और इनकी पैदाइश हुई थी 19 अक्टूबर 1911 ईस्वी को रदौली के मोहल्ला ख्वाजा हाल में। ठीक, रदौली जो है ना ये कस्बा है जो कि एक मर्दुमखेज कस्बा है, मतलब उतना ये डेवलप कस्बा नहीं है, गाँव नहीं है। ठीक, तो 19 अक्टूबर 1911 ईस्वी को रदौली के एक मोहल्ला है ख्वाजा हाल, वहीं पर इनकी पैदाइश हुई थी। इनके वालिद का नाम था सिराजुल हक और दादा का नाम था चौधरी अहमद हुसैन। ठीक है, और बाकायदा ये तालीम हासिल करके सरकारी नौकरी, मतलब ये मिजाज लखनवी जो ये पहले इंसान थे, पहले फ़र्द थे जो अपने पूरे ख़ानदान में तालीम हासिल करके, पढ़ाई लिखाई करके जो है ना पहली बार ये सरकारी नौकरी हासिल कर, मतलब पूरे ख़ानदान में सरकारी नौकरी करने वाला ये पहले इंसान थे, मिजाज लखनवी, याद रखिएगा। और आप बोल सकते हैं इनका जो ख़ानदान था वो बहुत ज़्यादा ज़मींदार ख़ानदान था, मतलब इनके पास ज़मीन जायदाद बहुत ज़्यादा थी। ठीक, और मिजाज लखनवी को जगन कहा जाता था, क्योंकि ये मतलब जब ये पढ़ाई कर रहे थे बचपन में जो है ना, जब इनका स्टूडेंट लाइफ चल रहा था तब ये रात भर जाग जाग कर पढ़ाई करते थे, और इसीलिए इनको लोग क्या कहने लगे, जगन कहने लगे। ठीक, और इब्तदाई तालीम रदौली में ही, मतलब मिजाज लखनवी की जो शुरुआती शिक्षा होती है, पढ़ाई लिखाई, वो अपने कस्बे मतलब अपने गांव रदौली में ही हुई थी। और फिर उन्होंने अपने वालिद के साथ लखनऊ चले गए, मतलब ये जो मिजाज लखनवी अपने पिताजी सिराजुल हक, मतलब अपने पापा के साथ जो है ना ये लखनऊ चले गए, और लखनऊ जाने के बाद वहाँ पर अमीनाबाद हाई स्कूल से वो 10वीं का इम्तहान पास की, यानी कि मैट्रिक कर लिए। कौन से स्कूल से, अमीनाबाद हाई स्कूल, जो कि कहाँ है, लखनऊ में ही है, तो वहाँ से वो मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किए, कौन, मिजाज लखनवी। और फिर वालिद असिस्टेंट रजिस्ट्रार होकर आगरा चले गए। मिजाज लखनवी के जो वालिद थे पिताजी सिराजुल हक, वो क्या बन गए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। ठीक है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार बन गए और आगरा चले गए। ठीक है, और 1929 में मिजाज लखनवी हैं वो सेंट जॉन्स कॉलेज से ये एफएससी में दाखिला लिया, एफएससी में ये एडमिशन करवा लिए, लेकिन एफएससी में ये बोले एफएससी का इम्तहान ये क्रैक नहीं कर पाए, पास नहीं कर पाए, और एफएससी में नाकामयाब हो गए, मतलब ये फेल हो गए। और फेल होने के बाद ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आकर वो आठ सब्जेक्ट से जो है ना वो क्या किए, बीएमए यानी कि ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा लिए, कौन से सब्जेक्ट, आठ सब्जेक्ट। ठीक है, और 1935 ईस्वी में ये बीए पास कर लिए, आठ सब्जेक्ट था तो वो कोई भी पास कर सकता है ना, आठ तो बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो 1935 में ये बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स पास कर लिए, और फिर एमए में एडमिशन करवाए, एमए में दाखिला हुआ, लेकिन एमए का इम्तहान में ये शरीक नहीं हुए। जब एमए का एग्ज़ाम हो रहा था
तब ये क्या किए उस एग्ज़ाम में गए ही नहीं, शरीक ही नहीं हुए, ठीक है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बेहतरीन, जब ये पढ़ रहे थे ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब ये पढ़ाई कर रहे थे ना, उसी वक्त मतलब वहाँ का जो माहौल है इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, और वहाँ पर बेहतरीन बेहतरीन नज़में लिखे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा कविता वहाँ पर लिखे थे उस यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई कर रहे थे, तो ठीक बहुत बेहतरीन नज़में, याद रखिएगा। और 1935 में ऑल इंडिया रेडियो में वो मुलाजिम होकर दिल्ली चले गए। 1935 में मिजाज लखनवी को ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में जॉब मिल गया, और उसके बाद से ये चले गए दिल्ली, दिल्ली जाकर ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में ये काम करने लगे। और मतलब इनकी तबीयत नहीं ठीक रहती थी तो ये एक ही साल काम किए थे ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में, और फिर छोड़ दिए तबीयत ख़राब होने की वजह से। और उसी वक्त जो है ना, इनको एक खातून से इश्क का रोग मिल गया, मतलब जब 1935 में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में ये जॉब कर रहे थे और एक साल जॉब की इनकी तबीयत ख़राब हुई, ठीक, और जॉब छोड़ दिए, उसी वक्त जो है ना ये एक खातून से, एक लड़की से इश्क कर लिए, और उसके बाद से इश्क मतलब उनका मिला नहीं, मतलब लड़की की दूसरी जगह शादी हो गई, उसका घर वाला जो है ना शादी नहीं करने दिया लड़की का, तो मतलब इश्क में इनको नाकामयाबी मिल गई, ठीक। और उसके बाद से अब उस इश्क का रोग लेकर वो कुछ दिनों बाद लखनऊ वापस आ गए, ठीक। जब लखनऊ वापस आ गए तो शराब नवेशी और इश्क में नाकामयाबी ने उन्हें कहीं का नहीं रहने दिया, ठीक। मतलब शराब नोशी होता है, ठीक है, तो शराब पीते थे बहुत ज़्यादा, तो शराब नोशी और इश्क में नाकामयाबी मिली थी, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना, शराब नोशी और इश्क में नाकामयाबी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, ये पूरे तरीके से बर्बाद हो गए थे, बदनाम हो गए थे सभी लोगों के बीच, समाज में बदनाम हो गए थे। और देखिए आगे क्या हुआ, 1940 में उन पर नर्वस ब्रेकडाउन का हमला हुआ। नर्वस ब्रेकडाउन, नर्वस सिस्टम आप लोग जानते होंगे, पढ़ना है आप लोगों को शायद ग्रेजुएशन में, मतलब ट्वेल्थ में भी पढ़ना है नर्वस ब्रेकडाउन। नर्वस सिस्टम उसे कहते हैं ना, हम लोग के शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम की वजह से ही हम किसी भी चीज़ को समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, देख पाते हैं, सामने वाला क्या बोल रहा है उसको समझकर हमें क्या उत्तर देना चाहिए, क्या आंसर देना चाहिए, ये सब जो है ना नर्वस सिस्टम की वजह से ही होता है। सारा चीज़ नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, बोलने देखने सुनने हर चीज़ का, मतलब कंट्रोल पावर जो होता है ना वो किसके पास होता है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के अंदर ही हमारा ब्रेन आता है, ठीक है। तो क्या हुआ, 1940 में मिजाज लखनवी के साथ नर्वस ब्रेकडाउन का हमला हो गया, मतलब इनका नर्वस सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था, यानी कि जब नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा तो इंसान के अंदर सोचने समझने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, सामने वाला क्या बोल रहा है वो समझ नहीं पाता है, फिर उस मतलब सामने वाला जो बोल रहा है उसके हिसाब से क्या उत्तर देना चाहिए, क्या आंसर देना चाहिए, ये भी मतलब उसको नहीं समझ पाता है कि हमें क्या बोलना चाहिए, ठीक है। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं पागलपन जैसा व्यवहार होने लगता है जब नर्वस ब्रेकडाउन का हमला होता है, ठीक है। तो मिजाज लखनवी को 1940 में जो है ना नर्वस ब्रेकडाउन का हमला हुआ, यानी कि थोड़ा ये पागलपन जैसा हरकत करने लगे, ठीक है। इनके साथ इतनी बड़ी बड़ी घटना हुई थी, सबसे मतलब पहली बात तो ये सबसे बड़ी बात इनका, सबसे बड़ी आप बोल सकते हैं गलत लत इनका लग गया था शराब नोशी का, शराब पीते थे, उसके साथ इश्क में नाकामयाबी मिली थी, तो इसके वजह से आप बोल सकते हैं शायद यही रीज़न था कि इन पर नर्वस ब्रेकडाउन का हमला हो गया, मतलब पागलपन जैसा व्यवहार करने लगे, किसी भी चीज़ को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहे थे, उत्तर देना सोचना देखना सुनना ये मतलब थोड़ा डिफरेंट आने लगा, ठीक है। और उसके बाद से फिर चंद वर्षों के बाद कुछ साल, मतलब पहला हमला हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ठीक हो गए, ठीक है, लेकिन चंद वर्षों कुछ सालों के बाद जो है ना दूसरा हमला हो गया नर्वस ब्रेकडाउन का, मतलब फिर से दूसरा हमला हुआ, फिर से पागलपन जैसा हरकत करने लगे, सोचने समझने की क्षमता जो है ना वो कम हो गई, ठीक है। अब देखिए जब मतलब सेकेंड बार, दूसरी बार जो है ना ये नर्वस ब्रेकडाउन का हमला हुआ, ये पागलपन जैसा व्यवहार करने लगे, तो फिर इलाज किया गया, फिर थोड़ा ठीक हुए, और उससे उस हमले से संभलने के बाद, यानी कि दूसरी बार जब हमला हुआ नर्वस ब्रेकडाउन का, तो उसे संभलने के बाद, उसे ठीक होने के बाद वो बम्बई चले गए, ठीक। और बम्बई की सड़कों पर हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी तो बहुत ज़्यादा नाचे गाए, ठीक, बहुत ज़्यादा खुश थे, ठीक। और उसके बाद से 1951 में वो पाकिस्तान का भी दौरा किए थे, मतलब 1951 में वो पाकिस्तान भी गए थे, और पाकिस्तान से वापसी के दौरान, यानी कि वापसी जब उधर से पाकिस्तान से हिंदुस्तान वापस लौट रहे थे, 1952 में जो है ना इनको तीसरी मर्तबा जुनून का दौरा पड़ा, यानी कि 1952 में पाकिस्तान से हिंदुस्तान जब वापस लौटे तो उनको तीसरी बार जो है ना जुनून का दौरा पड़ा, यानी कि पागलपन का दौरा पड़ा, ठीक है। नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और पूरी तरीके से पागल हो गए ये। और उसके बाद से क्या हुआ,
उसके बाद क्या होगा, रांची के पागलखाने में इनको 10 महीने तक रखा गया। रांची के पागलखाने में ले जाकर रख दिया गया, वहीं पर इलाज होता था, 10 महीने तक वहाँ पर रहे, ठीक है। और 3 सितंबर 1955 को एक शराब खाने की छत पर उन्हें डबल निमोनिया हो गया। शराब बहुत ज़्यादा पीते थे, इनकी सबसे गलत लत, ठीक, शराब पीना, ठीक। 3 सितंबर 1955 को ये एक शराब खाने के छत पर जो है ना थे, शराब पी रहे थे, तो उन्हें डबल निमोनिया हो गया और दिमाग की नसें फट गईं। जब दिमाग की नसें फट जाएंगी तो आप जानते हैं क्या होगा, इंसान जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। तो इंतकाल कर गए ठीक 2 दिन के बाद, 5 सितंबर रहेगा, ठीक। यहाँ पर गलती से दिसंबर लिखा गया है, ठीक। एक मिनट बुक में भी देख लूँ, ये आप लोगों के बुक में दिया गया है, हाँ 5 दिसंबर, हाँ ठीक तो लिखी हूँ 5 दिसंबर। देखिए 3 सितंबर को उनका क्या हुआ, शराब खाने के छत पर डबल निमोनिया हो गया और दिमाग की नसें फट गई, लेकिन इलाज हो रहा था और इलाज करते करते मतलब आप बोल सकते हैं 1 महीने के बाद 5 दिसंबर 1955 को इनका इंतकाल हो गया, यानी कि इनकी मौत हो गई। इतनी सारी घटना, इनके पास इतना ज़्यादा बीमारी हो गया था, तो किसी भी इंसान को तो मतलब मर ही जाना है, इतना खतरनाक बीमारी होगा तो इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि दिमाग की नसें फट गई, डबल निमोनिया हो गया, क्या बोल सकते हैं, जुनून का दौरा पड़ा था, यानी कि पागलपन का दौरा पड़ा था, पागल हो गए थे। तो आप लोगों को लगता है कि जिंदा रहते, ठीक। तो 3 सितंबर 1955 को शराब खाने की छत पर उन्हें डबल निमोनिया हो गया। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कौन सा बीमारी, डबल निमोनिया भी हो सकता है ऑप्शन में दिया रहेगा, नहीं तो जुनून का दौरा दिया रहेगा, ठीक। और दिमाग की नसें जो है वो फट गई और इंतकाल कर गए कब, ठीक 1 महीना के बाद, 5 दिसंबर 1955 ईस्वी को, ठीक। तो यहाँ पर मिजाज लखनवी की तो मौत हो गई, और एक बात याद रखिएगा, 1938 ईस्वी में मिजाज का जो है ना मजमुआ कलाम, यानी कि उनका किताब का नाम क्या है, आहंग, शाये हुआ था, ठीक, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, बहुत ज़्यादा मकबूल और मशहूर हुआ। कब शाये हुआ था ये आहंग नाम का किताब, तो 1938 ईस्वी में, ठीक। ये हो गया मिजाज लखनवी के बारे में वो सारी डिटेल्स जो आप लोगों के बुक में दिया गया था, ठीक है। तो अब चलिए मैं आप लोगों को इस नज़्म को पढ़कर समझाती हूँ और बताती हूँ कि आखिर मिजाज लखनवी क्या फ़ील कर पा रहे हैं, उनके साथ क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी घटना हो रही है, ठीक। ये सारा चीज़ इस नज़्म के ज़रिए जो है ना पता चल रहा है, मिजाज लखनवी के दिल का हाल, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को पढ़कर बताती हूँ। देखिए इस नज़्म के शुरुआत में लिखे हैं मिजाज लखनवी कि शहर की रात और मैं नाशाद व नकारा फिरूँ, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूँ, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूँ, ए गमे दिल क्या करूँ, ए वहशते दिल क्या करूँ। देखिए इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बोल रहे हैं कि शहर की रात है, शहर है, मैं शहर में गया हुआ हूँ और वहाँ की रात तो आप लोग जानते हैं, रात जगमगाती हुई रहती है, ठीक। रात को लोग बहुत ज़्यादा घूमते हैं, दिन में तो उतना ज़्यादा नहीं, मतलब रात को सबसे ज़्यादा लोग घूमते हैं, ठीक है। रात जो है ना जगमगाती हुई होती है, तो वही शहर की रात है और मैं उस रात में जो है ना नाशाद व नकारा फिर रहा हूँ, मतलब नकारा, मेरे पास कोई काम नहीं है, आवारा और नकारा फिर रहा हूँ, ठीक। जगमगाती जागती सड़कों पर मैं आवारा फिरूँ, मतलब जगमगाती जागती हुई सड़कें हैं, लाइटिंग साइटिंग है, कहीं पर भी अंधेरा दिखाई नहीं दे रहा है, जगमगाती जागती सड़की है और उस पर मैं आवारा फिर रहा हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, ठीक। गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूँ, ये गैर की बस्ती है, यहाँ पर मेरा कोई अपना नहीं है, ठीक है, ये गैर की बस्ती है और कब तक मैं दर बदर मारा फिरूँ, कब तक मैं एक जगह से दूसरी जगह मारा फिरूँ, ए गमे दिल क्या करूँ, ए वहशते दिल क्या करूँ। बोल रहे हैं कि ए गमे दिल, मतलब ए दर्द भरी दिल, ए गम भरी दिल क्या करूं, और ए वहशत दिल क्या करूं, मतलब ए घबराहट भरी दिल, मतलब वहशत बोल सकते हैं, भयभीत, घबराहट, डरा हुआ, सहमा हुआ, ठीक। तो बोल रहे हैं कि ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं, ए दर्द भरी दिल क्या करूं, ए घबराहट भरी दिल क्या करूं, ठीक। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, झिलमिलाते कुमकुमों की राह में जंजीर सी, रात के हाथों में दिन की मोहिनी तस्वीर सी, मेरे सीने पर मगर दहकती हुई शमशीर सी, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। देखिए बहुत ज़्यादा इजी वर्ड्स का यूज़ किया गया है, ऐसा नहीं है कि मिजाज लखनवी तो टफ टफ वर्ड का यूज़ किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि शहर की रात है और जो सड़कें हैं, सड़क के किनारे बिजली का जो है ना वो खंभा लगा हुआ है, आप देखे हैं लाइट का एक खंभा लगा रहता है कुछ कुछ दूरी पर, मतलब एक यहाँ पर खंभा हो गया, फिर कुछ दूरी पर खंभा, फिर कुछ दूरी पर, शहर के सड़कों में ऐसा लगा रहता है। तो बोल रहे हैं कि ये जो लाइट का खंभा लगा हुआ है, ठीक है, ये कुछ कुछ दूरी पर लगा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि जंजीर सी बन गई है,
मतलब खंभा लगने की वजह से कुछ कुछ दूरी पर और लाइट मार रहा है, तो एक जंजीर सी मतलब एक चेन सी दिखाई दे रही है और रात के हाथों में दिन की मोहिनी तस्वीर सी। मतलब बोल रहे हैं कि यहाँ पर कहने को रात है लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी अंधेरा नहीं है, इतना ज़्यादा लाइटिंग सेटिंग की व्यवस्था है ना कि चारों तरफ उजाला ही उजाला है। मतलब रात के हाथों में दिन की मोहिनी सी तस्वीर दिखाई दे रही है, मतलब यहाँ पर कहने को सिर्फ रात है लेकिन अगर देखा जाए तो चारों तरफ उजाला ही उजाला है, यानी कि दिन की मोहिनी तस्वीर दिखाई दे रही है, मतलब लग रहा है कि दिन है। ठीक है, मेरे सीने पर मगर दहकती हुई शमशीर सी, लेकिन क्या करूं, मेरे सीने पर जो है ना सभी लोग जो है ना इस रात का मज़ा उठा रहे हैं, सभी लोग खुश हैं, घूम रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, लेकिन मेरे सीने पर जो है ना दहकी हुई शमशीर सी और मेरे सीने पर ऐसा लग रहा है कि तलवार पड़ गया हो। ठीक है, ऐ गम दिल क्या करूं, मतलब सभी लोग खुश हैं लेकिन मैं अकेला क्या करूं, मैं अपने आप को उस तरह खुश महसूस कर ही नहीं रहा हूं जिस तरह दूसरे लोग जो है घूम रहे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, खुश हैं। मेरे सीने पर ऐसा लग रहा है कि शमशीर सी चल गई हो, यानी कि तलवार सा चल गया हो। ठीक है, ए गम दिल क्या करूं, ए दर्द भरी दिल क्या करूं, ए घबराहट भरी दिल, ए मतलब बोल रहे हैं कि मतलब उनके दिल में क्या है, एक गम है, दर्द है, ठीक है, घबराहट है, आप बोल सकते हैं डर भी है, तो वही बोल रहे हैं कि ए गम भरी दिल और ए घबराहट भरी दिल क्या करूं, यह रुपहली छाँव या आकाश पर तारों का जाल, जैसे सूफी का तस्वूर, जैसे आशिक का ख्याल, आह लेकिन कौन जाने कौन समझे जी का हाल, ए गमे दिल क्या करूं, ए वैशते दिल क्या करूं। यहाँ पर बोल रहे हैं मिजाज लखनवी, ये सब किसका एहसास है, ये सब किसके बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं, मिजाज लखनवी की एहसास, उनके फीलिंग को आप लोग समझ पा रहे हैं कि वो क्या क्या फील कर पा रहे हैं उस रात को। ठीक, बोल रहे हैं कि ये जो रात है और रात पर जो आकाश है, आकाश पर तारों का जाल है, मतलब अंधेरी रात, अंधेरी तो नहीं है, कहने को सिर्फ रात है लेकिन यहाँ पर चारों तरफ उजाला है, लेकिन आकाश में आसमान में देखा जा रहा है तो तारों का जाल है और ऐसा लग रहा है जैसे कि आशिक का ख्याल हो, जिस तरह आशिक अपने ख्यालों में डूबा रहता है, ठीक है, वैसे ही लग रहा है कि आकाश में इन तारों को देखकर, तारों का जाल जो है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई आशिक का ख्याल हो, लेकिन मतलब कौन जाने कौन समझे मेरे जी का हाल कि मैं क्या फील कर पा रहा हूँ, मैं जो फील कर पा रहा हूँ, मैं जो महसूस कर पा रहा हूँ, ये कौन समझे कौन जाने। यहाँ पर सभी लोग खुश हैं, सभी लोग जो है ना मुतमईन ज़िंदगी जी रहे हैं, खुशी की ज़िंदगी जी रहे हैं, शांति की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन आह कौन जाने कौन समझे मेरे जी का हाल, उनके दिल का हाल कौन समझे कि वो क्या महसूस कर पा रहे हैं। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, ए घबराहट भरी दिल क्या करूं और ए दर्द भरी दिल क्या करूं। ठीक है, फिर वह टूटा एक सितारा, फिर वह छोटी फुलझड़ी, जाने किसकी गोद में आई यह मोती की लड़ी, हुक सी सीने में उठी, चोट सी दिल पर पड़ी, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। पर बोल रहे हैं कि फिर उस रात को जो है ना आकाश में एक छोटा सा सितारा जो है ना वो टूटा, टूटा एक सितारा, फिर वह छोटी की लड़ी, मतलब बोल रहे हैं छोटी सी फुलझड़ी, हाँ बोल रहे हैं कि जब सितारा, आप लोग जानते ही हैं सितारा टूट कर गिरता है तो एक चेन सी बन जाती है, फुलझड़ी टाइप का, ठीक, तो वही बोल रहे हैं उस टूटे हुए सितारे को मिजाज लखनवी मोती की लड़ी बोल रहे हैं। ठीक, तो बोल रहे हैं कि फिर से एक सितारा टूट गया है और ये पता नहीं ये मोती की लड़ी जाने किसकी गोद में जाकर गिरी होगी, हुक सी सीने में उठी, चोट से दिल पर पड़ी, लेकिन ये देखकर मेरे सीने पर हुक सी पड़ गई और मतलब हुक से सीने में उठ गई और मेरे दिल पर जो है ना फिर से मतलब पुरानी यादें जो है ना मैं ताज़ा हो गई और मेरे दिल पर चोट सी लग गई। ठीक, ए गम दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, ए दर्द भरी दिल क्या करूं, ए घबराहट भरी दिल, ए भयभीत भरी दिल क्या करूं। मतलब उनका दिल जो है वो भयभीत है, डरा सहमा हुआ है, वो घबरा गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो वही पूछ रहे हैं कि ए दर्द भरी दिल मैं क्या करूं। रात रात हंस हंस कर यह कहती है कि मैं खाने में चल, फिर किसी शहनाज लाला रुख के कहखाने में चल, यह नहीं मुमकिन तो फिर ए दोस्त वीराने में चल, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। यहाँ पर बोल रहे हैं मिजाज लखनवी कि ये जो रात है मुझसे हंस हंस कर कहती है कि ए दोस्त चल किसी मेहखाने में चलते हैं, मेहखाना मतलब शराब खाना, तो बोल रहे हैं कि ये जो रात है मुझसे हंस हंस कर कहती है कि ए दोस्त चल किसी शराब खाने में चलते हैं, फिर किसी शहनाज लाला रुख के कहखाने में चल, नहीं तो अगर वहाँ पर मुमकिन नहीं है तो फिर तुम किसी मतलब तुम अपने महबूब के कहखाने में चल, यानी कि तुम अपने आशिक के घर चल, ठीक है, यह नहीं मुमकिन, अगर वो भी मुमकिन नहीं है तो फिर ए दोस्त चल किसी वीराने में चल, यानी कि किसी शांति वाले जहाँ पर कोई नहीं है, किसी वीराने जगह पर चलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर
पर चल। कौन बोल रही है? रात हंस हंस कर कहती है कि ए दोस्त चल किसी मैखाने में चल, किसी शराब खाने में चल, या अपने महबूब के काशाने में चल, मतलब अपने आशिक के घर चल। अगर वहाँ पर भी मुमकिन नहीं है तो ए दोस्त फिर चल एक वीराने में चलते हैं, यानी कि जहाँ पर कोई नहीं है, अकेला जगह है, वहाँ पर चलते हैं, शांति वाले जगह पर चलते हैं। ए गमे दिल क्या करूँ, ए वैशते दिल क्या करूँ, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और फिर अपने दिल से पूछ रहे हैं कि ए गमे दिल क्या करूँ, ए दर्द भरी दिल क्या करूँ, और ए घबराहट भरी दिल क्या करूँ। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे लिखा है, हर तरफ बिखरी हुई रंगीनियाँ रानाइयाँ, हर कदम पे इशरतें लेती हुई अंगड़ाइयाँ, बढ़ रही हैं गोद फैलाए हुए रुसवाइयाँ, ए गमे दिल क्या करूँ, ए वैशते दिल क्या करूँ। बोल रहे हैं कि ये जो रात है, ठीक, शहर की रात, यहाँ पर सभी चारों तरफ रंगीनियाँ और रानाइयाँ हैं, चारों तरफ लाइटिंग सेटिंग है, सभी लोग जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपनी ज़िंदगी को एकदम मज़े से जी रहे हैं, सभी लोग अपने अपने एक दूसरे से जो है ना बातें कर रहे हैं और अपनी मुतमईन ज़िंदगी, मतलब खुशी और शांति की ज़िंदगी बिता रहे हैं। लेकिन मेरी गोद में जो है ना रुसवाइयाँ फैली हुई हैं, और रुसवाइयाँ बढ़ते ही जा रही है, मतलब मेरी गोद में बदनामी फैली हुई है। अब मैं क्या करूं, ए गमे दिल क्या करूं, ए वैशते दिल क्या करूं, ए दर्द भरे दिल क्या करूं, अरे घबराहट भरे दिल क्या करूं, मेरे गोद में मेरी ज़िंदगी में सिर्फ रुसवाइयाँ ही हैं, बदनामियाँ हैं, तो मैं क्या करूं। ठीक है, मुंतज़िर है एक तूफ़ान, तूफ़ान बला मेरे लिए, अभी जाने कितने दरवाजे हैं वह मेरे लिए, पर मुसीबत है मेरा अहद वफ़ा मेरे लिए, ए गमे दिल क्या करूं, ए वैशते दिल क्या करूं, जी में आता है कि अब अहद वफ़ा भी तोड़ दूं, उनको पा सकता हूं मैं या आसरा भी तोड़ दूं, हां मुनासिब है या जंजीर हवा भी तोड़ दूं, ए गमे दिल क्या करूं, ए वैशते दिल क्या करूं। बोल रहे हैं मिजाज लखनवी कि एक जो तूफ़ान बला है, यानी कि बला की तूफ़ान, आफत की तूफ़ान है, वो मेरे लिए मुंतज़िर है, यानी कि वो बला की तूफ़ान मेरा इंतज़ार कर रही है। मुंतज़िर का मतलब होता है इंतज़ार करना, तो वो मेरा इंतज़ार कर रही है, अभी भी मेरे लिए कई दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन हर दरवाज़ा मेरे लिए मुसीबत है, और मुसीबत मेरा वफ़ा है, और जी चाहता है कि इस वफ़ा को भी तोड़ दूँ, उनको पा सकता हूँ मैं, उनको पा सकता हूँ। यहाँ पर ये अपने महबूब को बोल रहे हैं, अपने आशिक को बोल रहे हैं, ठीक, बोल रहे हैं कि उनको पा सकता हूँ मैं या आसरा भी छोड़ दूँ, हाँ मुनासिब है ये जंजीर हवा भी तोड़ दूँ, मतलब हवा से जो मेरा रिश्ता है, रिश्ते को तो मतलब देख नहीं सकते हम लोग, जिससे भी मेरा रिश्ता है, चाहे भाई बहन का हो, चाहे देखिए किसी का भी रिश्ता हो, दिखाई तो नहीं देता है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं हम लोग रिश्ता को, चाहे माँ बेटी का रिश्ता हो, बेटे बहू का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, बाप बेटी का रिश्ता हो, बाप बेटा का रिश्ता हो, रिश्ता दिखाई नहीं देता, इसको फील किया जाता है। उसी तरह बोल रहे हैं कि ये मिजाज लखनवी बोल रहे हैं कि मेरा जिसके साथ भी रिश्तेदारी है, मुझे लग रहा है कि मैं इस रिश्तेदारी को भी तोड़ दूँ, मतलब जंजीर हवा भी जोड़ दूँ, मतलब ये हवा से जो मेरी रिश्तेदारी है इसको भी मैं तोड़ दूँ, जिस लोगों मतलब जिन जिन लोगों से मेरी रिश्ता जुड़ा हुआ है उन सब को मैं तोड़ दूं, ए गमे दिल क्या करूं, ए वैशते दिल क्या करूं, ए दर्द भरी दिल क्या करूं, ए घबराहट भरी दिल क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक महल की आड़ से निकला वह पीला महताब, जैसे मुल्ला का मामा जैसे बनिए की किताब, जैसे मुफलिस की जवानी जैसे बेवा का शबाब, ए गमे दिल क्या करूं, ए वैशते दिल क्या करूं, दिल में एक शोला भड़क उठा है आखिर क्या करूं, मेरा पैमाना छलक उठा है आखिर क्या करूं, जख्म सीने का महक उठा है आखिर क्या करूं, ए गमे दिल क्या करूं, ए वैशते दिल क्या करूं। बोल रहे हैं कि एक महल की आड़ से निकला वह पीला महताब, एक महल है और महल की आड़ से चांद निकला हुआ है, और ये चांद जो है ढेर सारी मतलब बातें बता रहा है, ठीक है, और इस चांद मतलब ये चांद को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मुफलिस की जवानी हो, ठीक है, यानी कि किसी गरीब की जवानी हो, जो औरत बेवा हो जाती है उसकी जवानी हो, ठीक, ये चांद हमें बहुत कुछ बता रहा है। दिल में एक शोला भड़क उठा है आखिर क्या करूँ, मेरे दिल में एक शोला आग भड़क उठा है मैं क्या करूं, मेरा पैमाना जो है ना वो छलक उठा है आखिर क्या करूं, मतलब मेरा जो सब्र जो है, सब्र का आप बोल सकते हैं सब्र का लेवल वो पार कर चुका है, मतलब मेरी सब्र अब मुझसे इससे ज़्यादा सब्र नहीं होता है, अब मैं क्या करूं, जख्म सीने का महक उठा है आखिर क्या करूं, ऐसे बोला जाते ना कि अब कितना सब्र किया जाए, सब्र करते 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 तो इतने दिन हो गया, तो उसी तरह बोल रहे हैं कि मेरे दिल में एक शोला भड़क उठा है मैं क्या करूं, और सब्र की जो सीमा है वो ख़त्म हो चुकी है, मतलब अब मैं सब्र करते करते थक गया हूँ, अब मेरा जो पैमाना है वो छलक उठा है, जख्म जो सीने का मेरा ज़ख्म है वो महक उठा है आखिर मैं क्या करूँ, ए गमे दिल क्या करूँ, ए वैशते दिल क्या करूँ, मैं क्या करूँ, ए दर्द भरे दिल मुझे बता कि मैं क्या करूँ, जी में आता है या मुर्दा
यह मुर्दा चांद तारे नोच लूँ, इस किनारे नोच लूँ और उस किनारे नोच लूँ, एक दो का जिक्र क्या सारे के सारे नोच लूँ, ए गमे दिल क्या करूँ, ए वहशत दिल क्या करूँ। बोल रहे हैं यहाँ पर मिजाज लखनवी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। जिस में आता है कि ये जो मुर्दा चांद तारे हैं, चांद तारे में तो जान नहीं होती है, तो ये बोल रहे हैं कि ये जो चांद तारे हैं उसको मैं नोच लूँ, इस किनारे नोच लूँ, उस किनारे नोच लूँ और एक दो का जिक्र क्या, मतलब एक दो चांद तारे क्या मैं सारे के सारे नोच लूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ए गम दिल, ए दर्द भरी दिल क्या करूँ, ए वहशत दिल क्या करूँ, ए घबराहट भरी दिल मैं क्या करूँ, मेरा दिल जो है वो भयभीत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मुफलिसी और या मज़ाहिर है नज़र के सामने, सैकड़ों सुल्तान जाबिर है नज़र के सामने, सैकड़ों चंगेज़ व नादिर है नज़र के सामने, ए गम दिल क्या करूँ, ए वहशत दिल क्या करूँ, लेके एक चंगेज़ के हाथों से खंजर तोड़ दूँ, ताज पर उसका दमकता है जो पत्थर, तोड़ दूँ कोई तोड़े या ना तोड़ो, मैं ही बढ़कर तोड़ दूँ, ए गम दिल क्या करूँ, ए वहशत दिल क्या करूँ। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चारों तरफ मिजाज लखनवी को मुफलिसी ही मुफलिसी दिखाई दे रही है, सभी लोग जो है ना दिखावटी कर रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे को मतलब धोखा देने, बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, और जो लोग लाचार होते हैं, जो कुछ नहीं कर पाते, उनके लिए सभी लोग जो है ना उनसे मतलब उनको सताते हैं, उनसे हर एक चीज़ छीनने की कोशिश करते हैं, और वही मेरे साथ हो रहा है। मेरे लिए सैकड़ों सुल्तान जाबिर है, मतलब सैकड़ों सुल्तान जो है ना मुझसे हर वो चीज़ छीन लेना चाहते हैं जो मेरे पास है, अब मैं क्या करूं। सैकड़ों चंगेज़ व नादिर है नज़र के सामने, सैकड़ों लोग जो है मेरे लिए चंगेज़ खान की तरह है, जो कि मेरी हर एक चीज़ों को छीन लेना चाहते हैं, मैं क्या करूं, मैं बेसहारा हूं। मुझे लग रहा है कि लेके एक चंगेज़ के हाथों से खंजर तोड़ दूँ, मुझे लग रहा है मतलब मुझे ऐसा मन कर रहा है कि मैं एक चंगेज़ खान के हाथों में जो खंजर है, चाकू है, छुरी है आप बोल सकते हैं, ठीक, उसको लेकर मैं तोड़ दूँ और उसके ताज पर जो दमकता हुआ पत्थर है उसको मैं लेकर तोड़ दूँ, कोई तोड़े या ना तोड़े इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे लगता है कि मैं ही जाकर उसको तोड़ दूँ, ठीक, मतलब उसके ताज पर जो दमकता हुआ पत्थर है, उस चंगेज़ खान के ताज पर जो दमकता चमकता हुआ पत्थर है उसको मैं जाकर तोड़ दूँ, कोई तोड़े या ना तोड़े, मुझे लग रहा है कि मैं ही तोड़ दूँ, ए गमे दिल क्या करूँ, ए वहशत दिल क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ए दर्द भरी दिल तू ही बता कि मैं क्या करूँ। बढ़ के इस इंद्र सभा का साज व सामा फूँक दूँ, इसका गुलशन फूँक दूँ, उसका शबिस्ता फूँक दूँ, तख्त सुल्तान क्या मैं सारा कसर सुल्तान फूँक दूँ, ए गमे दिल क्या करूँ, ए वहशत दिल क्या करूँ। यहाँ पर बोल रहे हैं कि बढ़ के इस इंद्र सभा का साज और समा फूँक दूँ, मतलब इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं मुझे लगता है मैं उसको फूँक दूँ, ताकि सभी लोग जो है ना, जितने भी लोगों के पास धन दौलत है, बंगला है, कार है, मुझे लगता है कि सभी साज और समा को फूँक दूँ, क्योंकि सभी, ताकि सभी लोग जो है ना बराबर हो जाए, बराबरी हो जाए, मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ, सभी लोग मुझको दबा दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सब कुछ फूँक दूँ ताकि सभी लोग मेरे जैसे बराबर हो जाए, ठीक, इसका गुलशन भी फूँक दूँ, मैं इसका भी गुलशन फूँक दूँ और उसका शबिस्ता, मतलब सब कुछ फूँक दूँ, ठीक, मतलब बादशाह का जो सोने, शबिस्ता मतलब होता है जो बादशाह होता है उसके सोने का कमरा, ठीक, उसको फूँक दूँ, ठीक, और तख्त सुल्तान, तख्त सुल्तान का जो तख्त वो ताज है वो सब फूँक दूँ और उनका सारा महल फूँक दूँ, ताकि सभी लोग जो है ना बराबरी का हो जाए, ठीक, सब लोग बराबर की नज़र से देखें, एक दूसरे के बराबर हो जाए, ठीक है, यहाँ पर जो बड़े लोग हैं वो छोटे लोगों को, छोटे जाति के लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको दबा देते हैं, ठीक, तो मैं भी चाहता हूँ कि सभी लोग बराबर हो, बराबर का हिस्सेदारी हो, ठीक, तो मैं चाहता हूँ सब कुछ फूँक दूँ, बादशाह का जो कमरा है उसको फूँक दूँ, इस दुनिया का जितना भी साजो सामान है सबको फूँक दूँ, जितनी कीमती चीज़ें लोगों के पास वो सब कुछ फूँक दूँ, ए गमे दिल क्या करूँ, ए वहशत दिल क्या करूँ, ए गम भरी दिल, ए दर्द भरी दिल मैं क्या करूँ, ए घबराहट और भयभीत भरी दिल क्या करूँ, मतलब उनके दिल में घबराहट है, भयभीत है, बेचैनी है, ठीक है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, मिजाज लखनवी, ठीक, तो यहाँ पर जो है ना आप लोगों का चैप्टर, ये जो नज़्म है ये कंप्लीट होता है, और चैप्टर नंबर 33 जो है ना वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर मुसन्निफ़ से रिलेटेड, आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, बाकी मैं आप लोग को जो कुछ भी समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ मुझे समझ में आया, और आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक, कोई भी कंफ्यूजन हो तो भी जो है ना आप हमें कमेंट कर ज़रूर पूछें। तो अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चारों तरफ शेयर कर दें
अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आप लोग को दिख रहा होगा, फटाफट उसको सब्सक्राइब कर लें। क्लिक करके बेल आइकन घंटी को दबाकर आप जो है ना इस चैनल का एक मेंबर, एक सदस्य बन सकते हैं, और हमारे साथ जुड़कर आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर तरीके से कर अपना रिजल्ट दी बेस्ट ला सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर घंटी दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर ले। उससे होगा ये कि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।